चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में जब राजू पाल की हत्या हुई थी, माफिया कैसे मिट्टी में मिल गया है यह सबको पता है। ये चुनाव में हमें व्यक्ति नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, मत और मजहब नहीं देखना है, चुनाव में हमें केवल मोदी जी को देखना है। यही पर वध करके इस तरह धाम पर धर्म और न्याय की स्थापना करने का काम किया था, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो क्षेत्र को उसका पुरातन स्वरूप देने के लिए राजू भैया के प्रस्ताव पर जो कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में सोरो क्षेत्र भी एक महातीर्थ के रूप में विकसित होकर के यहां की जनभावनाओं का सम्मान करेगा। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं, पहले ये कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया, और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे, वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे, लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के दो शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है क्या? क्या आपका वोट पाएगी क्या? अगर इनके कारनामों का मैं किससे सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। मैं आज आपके बीच में केवल कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं भी यहां पर आया था और मुझे यहां पर बताया गया कि अहिल्या समाज को प्रमाण पत्र दिलाने के बारे में। बहनों और भाइयों, अहिल्या समाज
आजादी के दो तीन वर्षों तक, चार पांच वर्षों तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की शरारत के नाते उनको उनकी मूल जाति से आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने। और याद करिए, अहिरिया समाज को मैंने स्वयं लखनऊ बुलाया था और उनके बारे में मैंने स्वयं भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इनको भी अनुसूचित जाति की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, यही नहीं, बघेल पाल समाज और धनगढ़, बघेल एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अजीत पाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में जब राजू पाल की हत्या हुई थी और जब एक माफिया ने उमेश पाल की हत्या की थी, तो बहनों और भाइयों, माफिया कैसे मिट्टी में मिल गया है यह सबको पता है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये चुनाव में हमें व्यक्ति नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, मत और मजहब नहीं देखना है, चुनाव में हमें केवल मोदी जी को देखना है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में वेस्ट बंगाल में था, मुझे अब तक 8 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहनों और भाइयों, 8 राज्यों में जो माहौल है, वह माहौल है, हर जनता एक ही स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार पूरा पंडाल एक साथ बोले, जिससे दिल्ली तक आपका स्वर गूंजे, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जो मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है ना पूरे देश के अंदर, ये वैसे ही नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में देश की कायाकल्प करने का जो कार्य हुआ है, आज उसके प्रति मोदी जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। और उसी के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, ये कांग्रेस सपा की सरकार जब केंद्र में थी, बहुजन समाज पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, तब क्या हाल थे? आतंकी घटनाएं कहीं भी हो जाती थी, विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, लखनऊ में हमले हुए, सीआरपीएफ के कैंप रामपुर में हमला हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये होती है देश की धमक, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया। और मैं इसीलिए आज आपसे कहने के लिए आया हूं, विकास के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एटा में भी मेडिकल कॉलेज बना, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई प्रचलित है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये भी कहने के लिए आया हूं कि देश के अंदर विकास के जो कार्य हुए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य किस हद तक हुआ? 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर